हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूता बनाने जा रहे हैं छोटा बच्चा के लिए। उसके लिए हम 50 फंदे लिए थे। 50 फंदे लेने के बाद हम 20 लाइन बना लिए हैं। 20 लाइन बनाने के बाद हम ये सीधा साइड से बंद कर रहे हैं बीन की। अभी तक जो बनाए थे वो उल्टा भी नहीं थे, अभी हम बंद जिस टाइम कर रहे हैं उस टाइम हम सीधा से बंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे डिजाइन उभर के आएगा बाद में। पंद्रह फंदे इधर बंद करना है और 15 फंदे उधर बंद करना है। 15 फंदे बंद हो गए। अब हम 20 फंदे को बीन लेंगे। सीधा से बीनना है, ये वाला पूरा सिलाई सीधा ही बीनना है। सीधा से ही घर को बंद भी करना है और सीधा सिलाई से बीनना है। इस बार तो पूरा लाइन बीनना है। दूसरे साइड से जब शुरू करेंगे उस टाइम हम उधर से भी बंद करेंगे 15 फंदे। इधर से 15 फंदे बंद करेंगे और 15 फंदे उधर से बंद किए थे। 30 फंदे बंद करना है और बीच में बचेगा 20 फंदे। बीच में जो बचेंगे 20 फंदे उसको फिर से बीनना है। अब मैंने 15 फंदे बंद कर दिए। अब 20 फंदे जो बच गए उसको हम 10 सलाई बीनेंगे। 10 लाइन उल्टा से बीनना है। मैंने 10 लाइन बना लिया। अब हम फंदे को बंद कर देंगे जो 20 फंदे थे सो। ये छोटा बच्चा के लिए मोजा बनाना, मोजा बोलिए चाहे जूता बोलिए बराबर है, लेकिन बनाना बहुत आसान है और देखने में सुंदर लगता है। अब फंसा के गांठ लगा देंगे और काट देंगे। ये देखिए मेरा मोजा का बिनाई खत्म हो गया। अब हम सिलाई कर लेंगे। ये जो मैंने बीच में एक सिलाई बनी थी सीधा, वो उसका डिजाइन उभर के आया है। अब हम उल्टा साइड में करके सिल लेंगे। तिरछा सिलाई लगाना है। बहुत आसान डिजाइन है।
सिलाई कर ली है, अब इतना अगर चाहे तो आप खुला रख सकते हैं, नहीं तो बंद कर सकते हैं। मैंने आधा खुला रखा, आधा बंद कर दिया। गांठ लगा देंगे, उसके बाद हम रस्सी बांधने के लिए बनाएंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद कितना सुंदर लगता है छोटा बेबी के लिए जूता। अब हम इसमें मोती लगा देंगे। मोती लगा देने से थोड़ा देखने में और सुंदर लगने लगता है। दोनों साइड से झूलना जैसा लगा देंगे ताकि बांध देंगे अगर तो बच्चे का पैर से खुलेगा नहीं जूता। दो को डोरी बना लिया। दोनों डोरी बनाने के बाद दोनों साइड हम जोड़ देंगे। अगर आपको मन है तो जोड़ें, नहीं मन है तो नहीं जोड़ें। एक एक डोरी दोनों साइड से लगा देंगे। ये देखिए बंद खुला आप कुछ भी रख सकते हैं मन है तो। कितना अच्छा जूता लगता है देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।